हमें गुमान ये था कि इसमें गालिबन कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अदलिया की आज़ादी के आड़े आ रही हो, जो उनकी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान बन के ना आए, उनको एतराज़ ना हो, क्योंकि हम बहसियत मेंबर पार्लियामेंट जिस तरह हम अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी की और ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं तो हमें तमाम इदारों की भी उतनी ही ज़्यादा फिक्र है। लेकिन इसमें जो लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से और बाकी जो का इसमें इस्लाहात की गई हैं वो बड़ी अच्छी हैं। मैं फिर यही कहूँगी कि देर ज़रूर हुई है, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगी, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हमने इसकी काफ़ी डिटेल में भी इसको देखा है जब से ये हमारे पास आई है। और अच्छा होता कि अगर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर लिया जाता, और जिस तरह हम आज अदलिया के कुछ लोगों पे ये हमें कहना पड़ता है कि वो इमरान खान साहब या कुछ लोगों के लिए नज़रें बिछा के बैठे हैं और कहते हैं कि देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो हमें ये नौबत ही ना आती है कहने की कि हम इस नहज पे ही ना पहुंचते। हमने अपने आप को इस नहज पे पहुंचाया है आज हम इदारों की जब बात करते हैं। और मैं इस मौजूद दीवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं इल्तमास भी ये करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कि क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी माजी की गलतियों से सीखें और इस ऐवान का जो हकीकी काम है और इस ऐवान की जो इज्जत और तकरीम है वो हम उसको बहाल कर सकें और हम मज़ीद कवानीन ऐसे बना सकें जो इस ऐवान की मजबूती के लिए और बालादस्ती के लिए। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ एक बात कहूँगी कि जिनका दीन पैरवी किस्ब रया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुरत शमशीर मिले, और जिनका सर मुंतज़िर तह जफा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। शुक्रिया मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा।